ये व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी। आज हम कर रहे हैं व्लॉग और आज हम जा रहे हैं मतलब कहीं बाहर मंदिर वंदिर, क्योंकि आज नवरात्रे हैं, हैप्पी नवरात्रे। और क्या कहते हैं, हम देखने को ऐसा मंदिर जिसमें थोड़ी भीड़ भाड़ कम हो, क्योंकि हमें कल स्कूल जाना है। और अब चलो चलते हैं, अभी कोई ढूंढते हैं ऐसा मंदिर जिसमें भीड़ भाड़ कम हो। अब चलो चलते हैं। चलो भाई, आप देख सकते हो, देखो कितनी भीड़ हो रही है कालका मंदिर में। देखो भाई, इसलिए हम यहाँ पर नहीं आ रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है भाई, बहुत टाइम लग जाएगा, अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाएंगे हमारे। चलो भाई, ये है मंदिर, माता मंदिर। देखो भाई, भाई बहुत बढ़िया मंदिर है, हम इसमें जाएंगे। ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है ये मंदिर। अब चलो चलते हैं भाई, सुंदर। भाई इधर पर नवरात्रि की मतलब डेकोरेशन हो रखी है भाई, देखो। चलो गाइस, अभी हम मतलब भगवान जी के चढ़ाने के लिए मतलब मंदिर के अंदर अभी हम फूल ले रहे चढ़ाने के लिए। देखो भाई, चलो गाइस, अब हम ले रहे मतलब अपने अंकल की शॉप से फूल ले रहे भाई, उनके पास में ही शॉप है, आप देख सकते हो, मतलब माता मंदिर के पास में ही। अब चलो चलते हैं। ये अपने अंकल की शॉप है, अगर आपको लेने हो तो मतलब ये पास में मंदिर आप ले सकते हो, कि मंदिर के लिए फूल चढ़ाने जैसे मैंने लिया अपना रोज, आप ले सकते हो, पास में ही है। अगर मेरे नाम लोगे तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है भाई। अब चलो चलते हैं। तो गाइस, अब हम अपने मंदिर में एंटर करें। चलो गाइस, पहले अपने जूते उतारते हैं अंदर। अभी मैंने अपने सबमिट करवा दिया यहाँ पर शूज, अभी आपको अंदर ले चलता हूँ। चल दो, चलते हैं भाई, चलते हैं। कितना अच्छा मंदिर बन रखा है भाई, भगवान जी की मूर्ति। देखो भाई, ये भाई वो गुफा, आ जाओ भाई, इस गुफा के अंदर चलते हैं भाई।
कटरा में है, वही माता जी साक्षात स्वरूप में यहाँ पर भी वैष्णव स्वरूप में ही बैठी हुई हैं। बीच में जो माता जी हैं वो लक्ष्मी जी के स्वरूप और साथ में उन्हीं को वैष्णो देवी कहा जाता है। और दोनों साइड में जो एक साइड सरस्वती जी हैं, दूसरे साइड काली जी बैठी हुई हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का स्वरूप वैष्णो स्वरूप माना जाता है। सबसे लक्ष्मी जी का विशेष जो बीच में वैष्णो के अंगी लेफ्ट के साथ बैठने वाली लक्ष्मी स्वरूप वैष्णो देवी हैं। और नौ दिन में विशेष वैष्णो देवी में तो बहुत जगह भीड़ होती है, पर यहाँ पे भी आप लोग भक्त बहुत सारे आते हैं। इसी क्योंकि नवरात्र में विशेष माता जी तपस्या के स्वरूप में दर्शन देने सब भक्तों को आती हैं, इसीलिए नौ देवी में सबसे ज़्यादा विशेष महत्व है। जय माता की, जय माता। चलो गाइस, यह उधर से हो गया गुफा का एंड, अब चलो चलते हैं। देखो बस, देखो भाई वहाँ से, हाँ से आए थे और यहाँ पर एंड हुआ। चलो गाइस, ये वो गुफा, इधर से हम गए थे और इधर से वापस आ गए। इधर में मतलब कुछ पत्थर है जिन्हें माना जाता है, मतलब वैष्णो देवी है उनके अंदर। और भाई ये भोले बाबा, ये उनके बेटे गणेश जी, और ये मतलब उनके वो जिन पे जाते थे। भाई इधर पे देखो, सब जगह ऊपर मंदिर है, शिवलिंग हुआ है। देखो भाई, सब जगह ऊपर छोटे छोटे मंदिर है भाई, और शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। और अंदर वैष्णो माता, जैसे ये वो है ना वैष्णो देवी, उधर से मतलब थोड़ा कम है ये, आप भाई आ सकते हो, ये संतुष्टि सी मिलती है यहाँ पर आके। हाँ भाई, चलो चलते हैं। चलो भाई, ये मेरे मतलब नियर बाय सबसे बढ़िया मंदिर है, मतलब इधर से मतलब आपका घर भी साफ नहीं होगा, आपको दिखाते हैं। सेकंड भाई बहुत साफ रहता है, मतलब जैसे वैष्णो देवी ना, ये सेम है मतलब छोटे वैष्णो देवी से। मान लो भाई बहुत अच्छा मंदिर है, मेरे को मेरे नियर बाय सबसे बढ़िया मंदिर यही लगता है। अब चलो चलते हैं। चलो भाई, हम मतलब वहाँ से गुफा से आ चुके हैं। अब उधर देखो भाई, इधर भी मतलब आपको सब भगवान मिल जाएंगे, वैष्णो देवी सब कुछ मिल जाएंगे भाई। देखो यहाँ पर भी है भाई, और इधर पे जो आपको गाने की आवाज़ आ रही है भाई, वहाँ पर पूजा चल रही है भाई नीचे। मैं भी गया था अभी, हाँ वहाँ पर फूल चढ़ा के आया था भाई मैं ऊपर भाई। भाई जा उधर से आया था जब मैं आपको दिखा रहा था, इधर के साइड में देखो भाई माता जी, यहाँ पर देखो भाई। गाइस ये है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मंदिर भाई, इधर पर मैं आया हूँ देखो। चलो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ अपने घर और मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। और नवरात्र चल रहे हैं भाई, आप भी जा सकते हो, मतलब नवरात्रों में गए घूमने। चलो भाई, आज नहीं, टिल्लन टिकर बाबा, जय माता की।